नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। चीन से आ रहे सस्ते माल से पूरी दुनिया परेशान है। चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि चाइनीज माल चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। चीन जिस भी देश का ट्रेड पार्टनर बनता है उसी देश को बर्बाद कर देता है। यही वजह है कि अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों में चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। यहाँ तक कि अमेरिका भी चीनी माल की वजह से हो रहे घाटे से अछूता नहीं है। दरअसल पिछले दो दशक से चीन दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। उसने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, जिसकी वजह से उसके लिए सामान बनाना सस्ता पड़ रहा है और इस सस्ते सामान को वो दुनिया भर के बाजारों में खपा रहा है। टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन वेयर की चीजों को सस्ते में बेचकर चीनी कंपनियों ने लोकल कंपनियों को कंपटीशन से बाहर कर दिया है। चीन की कंपनियां धड़ाधड़ इन कंपनियों को खरीद रही है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बाजार तो चीन से आ रहे सस्ते माल से अटे पड़े हैं। इस कारण लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए थाईलैंड के उत्तरी लैमपैंग प्रोविंस में सिरेमिक्स की आधी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। इंडोनेशिया में हजारों टेक्सटाइल वर्कर्स की नौकरी चली गई है। मलेशिया में सस्ते चीनी माल के कारण छोटे छोटे दुकानदार तबाह हो गए हैं। चीन इन तीनों देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब कुछ थाई कस्टमर लोकल के लिए वोकल हो गए हैं और चीनी माल के बहिष्कार की मांग उठ रही है। मलेशिया की सरकार ने चीन से आ रहे सस्ते माल को रोकने के लिए 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, लेकिन रिटेलर्स का कहना है कि ये नाकाफी है। क्यों ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते चीन माल से अभी भी उनके कारोबार में 30% की गिरावट आई है। अमेरिका भी चीनी माल से परेशान है। चीन में बने ईवीएस पर 100%, सेमीकंडक्टर्स और सोलर सेल्स पर 50% और लिथियम आयन बैटरीज पर 25% शुल्क लगाने की फिराक में है। हालांकि ऐसा करने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया है। सस्ते चीनी आयात से ये देश परेशान है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार की सूझबूझ ने चीनी सामानों के खिलाफ अभियान चलाकर चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए लोकल फॉर वोकल का नारे लोगों के मन में डाला है। अब भारत के हर व्यक्ति के मन में मेड इन इंडिया सामानों को लेकर रुचि बढ़ रही है। भारतीय कंपनियां भी तेजी से हर सेक्टर में चीन को पछाड़ कर आगे निकल रही है। बहरहाल चीन से दोस्ती का मतलब तो आज दुनिया के कई देश समझ चुके हैं। हमारी ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि चीन को व्यापार साझेदार बनाने का मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना है। ऐसे में हमें भी चीनी सामान का बहिष्कार कर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।